अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की यौम पैदाइश, आज सरकारी तौर पर गांधी जयंती मनाई गई। आज पूरे मुल्क में गांधी को याद किया गया। पर क्या आपको मालूम है कि गांधी के साथ आज भी गोडसे जिंदा है, और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि गांधी से भी ऊंचा कद गोडसे का करने की कोशिश कुछ फिरका परस्त कर रहे हैं। इसी दौरान आपको ये भी याद दिलाता चलूं कि गांधी जी ने कहा था कि भारत को कामयाब मुल्क बनाने के लिए हुसैन रज़ियल्लाहु के नक्शे कदम पर चलना होगा। अगर मेरे पास हुसैन के 72 सिपाहियों जैसा लश्कर होता तो 24 घंटे में मुल्क को आजाद करवा देता। खैर, सब्र इस्तक़लाल के साथ अपनी बात और अपने मौकूफ पर डटे रहने का सबक न सिर्फ महात्मा गांधी ने बल्कि दुनिया के बड़े बड़े लीडरों ने हुसैन रज़ियल्लाहु से हासिल किया। खैर, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु के किरदार से महात्मा गांधी काफी मुतासिर थे, क्योंकि हमेशा से हक के मुखालिफ लश्कर यजीद खड़ा रहा है। गांधी जी खुद को सनातनी हिंदू कहते थे और मरते दम तक हे राम कहते थे, पर हे राम और आज के जय श्री राम में काफी फर्क कहा जाता है। इनका हिंदुत्व संघ परिवार भाजपा के जैसा नहीं था। ना सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अगर किसी भारतीय कैद को पहचाना जाता है तो वो महात्मा गांधी है। आज भी भले वजीर आजम मोदी और इनके साथी गांधी जी को लेकर तो ही नामोज अल्फाज इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब भी किसी विदेश यानी कि बैरूनी ममालिक सरजमीन पर जाना पड़ता है तो इनकी पहचान भी गांधी जी से ही होती है। आज गांधी जी की यौम पैदाइश तो है, सरकारी तौर पर मनाया भी जा रहा है, लेकिन उस हत्यारे को भी नहीं भूल सकते जिसने महज धर्म और नफरत की सियासत में एक महात्मा का कत्ल किया, और उसी कातिल और पहले दहशत गर्द की जय जयकार हो रही है। और यही सोच फिक्र अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बरसर इख्तदार भी है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर गोडसे जिंदाबाद के नारे संसद में लगाती है तो गांधी जी का पुतला बनाकर उसे हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से गोली भी मार दी जाती है। मतलब गोडसे की औलाद जिंदा है। हिंदू महासभा की जानिब से तो गोडसे का मंदिर बनाया जाता है। मतलब गांधी के मुखालिफ इच्छाधारा कहीं तो समाज में पनप रही है और समाज माशरे में नफरत का जहर भी घोल रही है। अभी ईद मिलाद के जुलूस पर पथराव किया गया। हमेशा से मुसलमानों को कड़घरे में खड़ा करते हुए मस्जिद से पत्थर आने की बात कही जाती है, और इसी को बहाना बनाकर बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को मुकदमों के साथ जेल भेज दिया जाता है। लिहाजा बरोज इतवार शिमोगा के शांति नगर के रागी गुड्डू इलाके में जुलूस पहुंचा तो मिलाद के जुलूस पर तूफानी पथराव फिरका परस्तों की जानिब से किया गया। फौरन रैपिड एक्शन फोर्स के फौजियों को तैनात किया गया। पुलिस कमिश्नर मिथुन कुमार ने जायजा लिया तो डीसी शिमोगा सेलोमनी ने रायगी गुड्डू इलाके में 144 नाफिज करने का हुक्म दिया। इसी तरह उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के थाना सिविल लाइन्स इलाके के शेखपुर कस्बे में जुलूस ए मोहम्मदी के दौरान नारों को लेकर FIR दर्ज की गई। क्या कभी रामनवमी हनुमान जयंती या दीगर जुलूसों को जानबूझकर मस्जिदों के सामने ले जाते हुए गलत नारे और गाने बजाए जाते हैं? कितने लोगों पर FIR अब तक दर्ज की गई? हम किसी गलती की हिमायत नहीं करते, लेकिन जो गलती कर रहा है उसे सजा भी तो होनी चाहिए। इन वाकयात का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि आज गांधी जयंती के दिन कैसे समाज में गोडसे की मानसिकता जिंदा और पनप रही है। ये वही नफरती गिरोह है जिनका शजरा उस गोडसे से जा मिलता है जिन्होंने महात्मा को न सिर्फ कत्ल किया बल्कि आज तक भला बुरा कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे मुल्क में एक तरह का नफरती माहौल गोडसेवादी सोच और फिक्र ने फैला दिया है। कहीं तो गांधी की सोच पर गोडसे हावी तो नहीं हो रहा क्या? ऐसा शक भी जरूर आ जाता है। पर गांधी की विचारधारा का लोहा दुनिया से मनवा लिया गया है, तभी तो मार्टिन लूथर नेल्सन मंडेला गांधी की विचारधारा से मुतासिर थे। हिंदू और हिंदुत्व का फर्क गांधी जी ने किया था, तभी तो मौजूदा दौर में RSS भाजपा संघ गांधी के मुखालिफ है। आज जिस सावरकर को भाजपा हिंदुत्व का एक चेहरा मानती है, यही सावरकर गांधी के कत्ल के मामले में शरीक थे पर इन्हें रिहा किया गया। इसलिए हमेशा कांग्रेस ने कभी सावरकर को वीर नहीं माना, इन्हें कायर कहते हुए हमेशा तर्क हमले किए जो भाजपा संघ हिंदुत्ववादियों को हजम नहीं होते। आजादी के 75 साल बाद भी गांधी जी को याद जरूर किया जाता है, पर इसी के साथ गोडसे की विचारधारा भी बढ़ती ही जा रही है। कैसे नफरती सोच का दायरा भी वसी होता है और इख्तदार तक पहुंच भी जाता है। ये गोडसे की हिंदुत्व सोच और फिक्र और भाजपा का आज इख्तदार में बैठना सभी कर देता है। पर कहते हैं सच और हक को भले थोड़ा वक्त जरूर लगता है, पर इसे हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। भाजपा संघ की विचारधारा भले कुछ वक्त के लिए हावी होती जरूर नजर आ रही हो, पर हमेशा इख्तदार पर फाइज नहीं हो सकती। धीरे धीरे गोडसेवादी सोच और फिक्र बेनकाब हो रही है। मुल्क भर में नफरत का बाजार इन्हीं गोडसेवादियों ने गर्म जरूर कर रखा है। अब तो जो चाहे गैर संवैधानिक बयान देने से जर्रा बराबर भी कतरा नहीं रहा। झूठ फरेब धोखा आम हो चुका है। कभी EVM तो कभी सीधे MLA ही खरीदे जा रहे हैं। हुकूमत को ऑपरेशन कमल के जरिए
उलट पलट कर दिया जा रहा है, अदालतों में फैसले बदल दिए जा रहे हैं, मुसलमानों को उनका नाम पूछकर जान से मार दिया जा रहा है, गांधी के मुल्क में गोड़ से दंधन आ रहा है। फिर से इस मुल्क को गांधी की जरूरत है, इसलिए भी महसूस की जा रही है क्योंकि मुख्तलिफ मजहबों जातियों तथा धर्मों के अंदरूनी इख्तलाफात से भरा भारतीय समाज पहली बार उस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ डट कर खड़ा हुआ जिसके बारे में यह कहा जाता था कि उस मुल्क का सूरज कभी डूबता नहीं है। इस तरह से सभी को एक लड़ी पे पिरोने का काम महात्मा गांधी ने किया था। आज फिर नफरत भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ एक और आजादी की लड़ाई लड़ने की जरूरत है, जो राष्ट्रवाद का नकाब तो पहने पर राष्ट्र को तोड़ने की हरकतों को अंजाम देते रहते हैं, बात अखंड भारत की करते हैं और देश ही के शहरियों को बाहर निकालने के ऐलानात करते हैं। मतलब वही सोच आज भी जिंदा है जो कभी इस मुल्क के महात्मा का कत्ल करने वाले की थी। आज भी मुल्क के पहले दहशतगर्द की नस्ल जिंदा है और इस माशरे को अपने जद में लेने की कोशिश कर रही है। वैसे आज मैं बेलगाम में मिलाद की रोशनाई पर वीडियो बनाने वाला था, लेकिन सोचा कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती का मौका है और वैसे भी इनकलाबाद गुलाम जहनियत के लोग नहीं बर्पा करते। अगर आज भी मिलाद के जुलूस में डीजे पर पांव थिरकाने से किसी और को डरा सकते हैं कि समझ है, या फिर अपने इश्क रसूल होने का सबूत समझ रहे हैं तो हिमाकत ही कह सकते हैं। कुर्बानी तब दी जा सकती है जब अपने जिस्म के रग रग में इश्क रसूल पैवस्त हुआ और वो डीजे की धुन पर नहीं पैवस्त हो सकता। कुछ लोगों को बातें अच्छी ना लगती हो, लेकिन सच्चाई यही है कि खुद गोस्ता के रसूल बनकर किसी और को इल्जाम देना कहां तक दुरुस्त है। जब नज्म व जब्त के साथ जुलूस अख्ताम पजीर हो रहा था तो कुछ लोगों को क्या हक था कि इस तरह पेश किया गया। खैर, उम्मीद करते हैं अगले साल मामला ठीक ठाक हो जाए। आज गांधी जयंती के मौके पर गोडसे का जिक्र इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि समाज में आज भी गोडसे जिंदा है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। आज गांधी जयंती के मौके पर शहर में इजलास रखे गए। आज पुलिस कमिश्नर, MLA बेलगाम और दीगर जिम्मेदारान ने तिलकवाड़ी में कांग्रेस भवन जाकर खराज तहसीन पेश किया गया। बेलगाम शहर का जंग आजादी में अहम रोल है। 1924 में कांग्रेस का सेशन रखा गया था जिसमें मोहम्मद अली भी शरीक रहे। कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। वैसे तो 1916 में पहली मरतबा गांधी जी बेलगाम आए थे, दूसरी मरतबा 1924 में जब कांग्रेस सेशन रखा गया था। आप ये पिलर भी देख सकते हैं जो तस्वीर में 1916 की है, आज भी रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है। एक और तस्वीर जिसमें अहमदाबाद से बेलगाम के लिए गांधी जी निकले हैं, दूसरी तस्वीर में अब यहाँ बेलगाम पहुंचे हैं, बेलगाम म्युनिसिपालिटी जिला बोर्ड से मुखातिब होते हुए। तस्वीर से 1924 के कांग्रेस सेशन में सदारत दी गई, उस वक्त मुखातिब होते हुए। एक और खास बात, 1937 बेलगाम से 25 किलोमीटर की दूरी पर हुदली गांव में एक हफ्ते का कयाम किया गया था और साथ में उनके सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फर खान और कस्तूरबा भी हुदली में एक हफ्ते के लिए कायम पजीर थे। गंगाधर राव देशपांडे ने खादी की तहरीक के लिए उन्होंने हुदली लाया था। उस वक्त सुल्तान स्टेशन से हुदली के लिए बैलगाड़ी का इंतजाम भी किया गया था, लेकिन गांधी जी ने अपने साथियों के साथ चलते ही हुदली निकले थे। गांधी स्मारक शिवाजी गार्डन शाहपुर में भी है जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये कुछ याद है बेलगाम शहर और गांधी जी। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।